ज्ञानवापी की एसआई सर्वे की रिपोर्ट किसी भी समय दोनों पक्षों को सौंपी जा सकती है। बुधवार को कोर्ट ने आदेश दिया था कि रिपोर्ट सभी पक्षों को सौंपी जाए। इसके साथ ही दोनों पक्षों की तरफ से सर्वे रिपोर्ट हासिल करने के लिए आवेदन किया जा चुका है। कहा यह जा रहा है कि रिपोर्ट किसी भी समय दोनों पक्षों को सौंपी जा सकती है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर रिपोर्ट आज नहीं सौंपी गई तो फिर 29 जनवरी को सौंपी जाएगी। इस बीच रिपोर्ट को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर। दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही है कि क्या सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक हो जाने के बाद सदियों से चला रहा विवाद सुलझ जाएगा। तो सवाल तमाम है जिन पर आज पब्लिक का रिएक्शन जानेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सर्टिफाइड कॉपी के लिए जो प्रक्रिया है वो हमने अप्लाई कर दी है। अगर सर्टिफाइड कॉपी आज मिल जाएगी तो आज उसका अवलोकन करेंगे, अगर आज नहीं मिलती तो 29 तारीख को मिलेगी तो 29 का उसका अवलोकन करेंगे। सर्टिफाइड कॉपी के लिए जो प्रक्रिया है वो हमने अप्लाई कर दी है। अगर सर्टिफाइड कॉपी आज मिल जाएगी तो आज उसका अवलोकन करेंगे, अगर आज नहीं मिलती तो 29 तारीख को मिलेगी तो 29 का उसका अवलोकन करेंगे। माननीय जिला जज साहब का स्पष्ट आर्डर है कि सील कवर तोड़ के पार्टीज ऑफ द सूट काउंसिल को इसकी नकल जनरल सिविल के मुताबिक प्रोवाइड किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि सील कवर तोड़ा जाएगा और हम लोग नकल के लिए अप्लाई करेंगे तो नकल मिलेगी। एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहां बने हुए, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे, जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। और इस वक्त हमारे पास दो सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, कितना माहौल टाइट है उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विवेक का हम रुख कर लेते हैं, विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नीतीश हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। चले अतीक हमारे साथ लखनऊ से, नीतीश भी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, विवेक के पास चलते हैं। विवेक, अयोध्या का जो काम होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अभी एक काम और बाकी है और सर्वे रिपोर्ट की जो बात की जा रही है इसको लेकर जनता की क्या राय है, जनता क्या सोच रही है और कितना इसका इंतजार है, जरा जानने की कोशिश कीजिएगा माहौल कितना टाइट। देखिए शिल्पा, हमारे साथ संत समाज के लोग हैं, आर्य संत वरुण जी महाराज हैं। वरुण जी महाराज, सर्वे रिपोर्ट जब सामने आएगी तो आपको क्या लगता है कि जो एएसआई ने सर्वे किया है वो किस तरह का होगा और क्या उससे असर पड़ेगा? निश्चित रूप से मैं अनुमान कर सकता हूं कि जो सर्वे होगी वो निरपेक्ष भाव से होगा और जो सत्य घटनाएं हों उस पर आधारित है। और मैं चाहूँगा कि सीलबंद सर्वे पेश ना किया जाए। राम जन्मभूमि में भी जो सर्वे रिपोर्ट पेश किया गया था तो सीलबंद नहीं था, इसलिए हमारी तो पहली मांग है कि सीलबंद ना रहे। कदाचित सीलबंद रहता भी है तो बाकी हमारे जो कानूनविद लोग वहाँ पर हैं वो सब उस पर विचार करेंगे और दोनों पक्षों के सामने चीज रहे और तब पेश हो, उपलब्ध कराया जाए।
के मोहम्मद साहब ने जब यहाँ पर किया था उसी तरह का रिपोर्ट वहाँ से भी आएगा। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में जिस प्रकार से यहाँ पर उत्खनन कराकर और सर्वे रिपोर्ट जारी कराया था और भूगर्भ वैज्ञानिक जो विदेश से भी आए थे और अमेरिका से भी ऐसे वैज्ञानिक आए थे जो तार डालकर देखे थे, फिर खुदाई होकर 40-50 फीट नीचे तक की खुदाई हुई थी, देखा गया था। तो निश्चित रूप से उसी तरह से जो शाश्वत सत्य है वो सत्य है, हमारा मंदिर है, मंदिर रहेगा, मंदिर है और मंदिर था, मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। देवेशाचार्य जी भी है हमारे साथ। आपने देखा कि सर्वे रिपोर्ट में जो शुरुआती जानकारी आई थी अंदर तमाम हिंदू के सिंबल मिले हैं, शिवलिंग मिले हैं, तो अब क्या लग रहा है कि रिपोर्ट सामने आएगी तो कोई बवाल होगा? नहीं, बिल्कुल बवाल नहीं होगा। हमें लगता है कि मुसलमान भाइयों को भी सौहार्दपूर्वक उसको दे देना चाहिए हिंदू भाइयों को, इससे जो हमारी परंपरा है गंगा जमुनी तहजीब की वो बरकरार रहेगी। और जब परीक्षण हुआ उसका संरक्षण क्या नाम है उसमें जो भी हमारे पुरातत्व विभाग के लोगों ने सर्वे किया तो हर जगह प्रतीक हमारे ही धर्म का निकल रहा है, तो सहज सी बात है कि फैसला भी हमारे पक्ष में आएगा और आएगा तो उनको सहज प्रेम पूर्वक जिससे हमारा उनका स्नेह बना रहे उनको दे देना चाहिए। जी महाराज जी, आप क्या कहें? बस ठीक। तो ये तय है, बिल्कुल विवेक, यानी कि इंतजार बेसब्री से हो रहा है और ये हम देख रहे हैं किस तरीके से तमाम प्रतिक्रियाएं यहाँ पर साधु संतों को भी निकल के आ रहे हैं। विवेक, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी है। एक घंटे में सौंपी जा सकती है सर्वे रिपोर्ट, ऐसी जानकारी फिलहाल सामने आई है। रिपोर्ट की स्टडी करेंगे वकील विष्णु जैन, रिपोर्ट मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी विष्णु जैन करने वाले हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी और विष्णु जैन ये रिपोर्ट पढ़ेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर करेंगे, ऐसी जानकारी फिलहाल सामने निकल कर आ रही है। और अतीक इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अतीक, कम सीधे रुक रहे थे। अतीक, संभवतः किसी भी वक्त रिपोर्ट आ सकती है जिसका इंतजार किया जा रहा है और जाहिर तौर पर उत्सुकता बढ़ रही होगी यहाँ पर लोगों के मनों में भी। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी राय है? बिल्कुल, लखनऊ के लोगों से बात करते हैं कि एसआई सर्वे की रिपोर्ट जो सार्वजनिक होने जा रही है, हालांकि जनता क्या कहती है, आपसे बात करते हैं कि क्या लगता है रिपोर्ट जो सार्वजनिक हो जाएगी, रिपोर्ट मिल जाएगी तो किस तरह का सच क्या आप सामने आ सकता है जो सर्वे अब तक हुआ था? देखिए, सर्वे जो कमेटी ने किया है, हम समझते हैं कि सरकार का वो एक विश्वासपात्र एजेंसी है, जो एजेंसी न्यायालय के निर्देश पर जो है वहाँ समीक्षा कर रही है, उसकी तस्दीक कर रही है। आ तस्दीक के पैरे में अगर जो त्रुटियाँ वो पाएगी तो हम समझते हैं कि वो निश्चित तौर पर वो एजेंसी अपने वैधानिक प्रक्रिया में हमारे जो जांच का जो आदेश है उस जांच के अनुरूप जो है अपने मनसा को, न्यायालय के मनसा के अनुरूप और जनमानस को गंभीरता से लेते हुए वो दोनों के मध्य एक न्याय मध्य से एक राह निकालने का प्रयास करेगी कि ये वैधानिक प्रक्रिया कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी के भावनात्मक चोट हो जाए या किसी को वो प्लस कर दे या किसी को माइनस कर दे। वैसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो एजेंसियां हैं वो सरकार की ही, हालांकि इस तरह की जो कहते हैं सर्वे रिपोर्ट सामने आएगी तो कहीं ना कहीं बवाल भी हो सकता है, कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एजेंसियां जो जांच कर रही सारी एजेंसियां सरकार की होती, जब जो जिसकी सरकार होती है उसकी एजेंसियां, ये कहना बेकार नकारात्मक तथ्य है। ऐसा कुछ नहीं, एजेंसियां निष्पक्ष जाँच करेंगी और जाँच में जो सर्वे में जो सही चीज आएगी उनको दिखाना पड़े, जिस चीज की लड़ाई चल रही है उसको कम से कम दिखाना पड़े। इसी की तो लड़ाई चल रही है, बिल्कुल पब्लिक में होना चाहिए, जो चीज सर्वे में जो चीज सबूत सामने आए उनको दिखाएं। आपको लगता है कि जो एसआई सर्वे की रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो सकती है, एक घंटे रिपोर्ट मिल सकती है दोनों पक्षों को, तो इस रिपोर्ट के आधार पर क्या सच सामने आ सकता है? अब देखिए, जो भी सच और तथ्य के आधार पर सामने आएगा वो सही ही आएगा, जो भी रिपोर्ट आएगी उसका स्वागत है और जो भी निर्णय होगा सही होगा। तो लखनऊ की जनता है, हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि जो भी रिपोर्ट आएगा उसका स्वागत है और कोर्ट के फैसले पे कोई भी किसी तरह का सवाल बिल्कुल इंतजार है लखनऊ की जनता को भी, और फैसला जो है वो क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट का सबको फिलहाल इंतजार है। कन्हैया हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए मथुरा से, कन्हैया का भी हम रुक कर लेते हैं। कन्हैया, मथुरा की जनता क्या कुछ कह रही है, वहां सबसे ज्यादा इंतजार फिलहाल हो रहा होगा और ये भी कहा जा रहा है कि एक घंटे में तकरीबन शायद रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर दी जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर की जाए। देखो,
देखिए बिल्कुल दोस्तों, मथुरा के लोगों का भी काफी इंतजार है और वो भी उम्मीद जता रहे हैं कि जिस तरीके से जब रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो क्या चीजें निकल कर आएगी। मथुरा के लोगों से बात करते हैं, किस तरीके से देखते हैं ज्ञानवापी की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होनी चाहिए और क्या उम्मीद लग रही है? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल सार्वजनिक होनी चाहिए। जैसे पता तो पड़े दूध का दूध पानी का पानी तो हो, मालूम तो बड़ा सार्वजनिक से मालूम पड़ जाएगा क्या उसमें मैटर है क्या है, उसके बाद कोई अगला कदम देखते हैं। क्या लग रहा है रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए और क्या स्थिति देखने को मिलेगी? क्या होनी चाहिए? सार्वजनिक होनी चाहिए और हमको बहुत इंतजार है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और उनको भी ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा है और हमको भी नहीं, प्रमाण आना चाहिए। कैसे देखते हैं आप ज्ञानवापी की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए और क्या उम्मीद लग रही है रिपोर्ट में, क्या क्या आसार है आपको, क्या क्या आ सकता है सामने? देखो जो घटनाक्रम चल रहे हैं, आप राम जन्मभूमि को लेकर कितना लंबा खींचा, तो इस समय जनता ये चाहती है जो रिपोर्ट आई है आम जनता के बीच में आवे, जिससे जनता को महसूस हो क्या है सत्यता क्या है, हर आदमी जानने का इच्छुक है। और मैं तो यही आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, रिपोर्ट निश्चित रूप से उजागर होने के लिए जनता के बीच आनी चाहिए। रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं, रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, क्या चीजें देखने को मिलने होनी चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कहां से आए हैं आप? हम गाजियाबाद से आए हैं। आज ज्ञानवापी की रिपोर्ट आने वाली है तो सार्वजनिक होनी चाहिए, क्या कहते हैं? बिल्कुल सार्वजनिक होनी चाहिए और सब। देखिए ज्ञानवापी की रिपोर्ट को लेकर मथुरा के लोग और मथुरा में आने वाले जो यात्री हैं जो वो भी यही कह रहे हैं कि रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए जिससे जो स्थिति है वो स्पष्ट हो सके कि रिपोर्ट में क्या क्या चीजें निकल कर आई हैं, सर्वे में कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी तक डॉक्यूमेंटों में देखने को मिली थी, तो हकीकत जमीनी क्या है उसका इंतजार मथुरा के लोग, यानी कि जमीनी हकीकत क्या है इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है और जाहिर है सर्वे के बाद ये चीजें कुछ हद तक क्लियर हो पाएंगी। कन्हैया वापस मैं आपके पास लौटूंगी, विवेक भी हमारे साथ इस वक्त बने, विवेक का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। विवेक, क्योंकि साधु संत लगातार चीजों को देख रहे हैं और एक लंबा अरसा बीता जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बनने का इंतजार किया गया, वो सपना पूरा हुआ, जो एक और सपना अभी देखा जा रहा है जिसको लेकर सर्वे रिपोर्ट की बात आ रही है कि घंटे में सामने आ जाएगी सर्वे रिपोर्ट जैसा कहा जा रहा है, उसको लेकर उम्मीदें कितनी बंधी हुई हैं? बिल्कुल, आर्य संत वरुण जी महाराज जी हैं। महाराज जी, रिपोर्ट आएगी तो कितनी उम्मीदें हैं उससे? रिपोर्ट आएगी तो निश्चित रूप से हमें संपूर्ण पूरी उम्मीद है, क्योंकि अंधा भी वहां जाकर हाथ से टोकर देख सकता है कि श्रृंगार गौरी हमारी है, ज्ञानवापी हमारा, उससे शब्द ही है ज्ञानवापी। वापी मतलब जहाँ कूप हो, तालाब हो, समुद्र हो, जहाँ जल का स्रोत हो, तो वापी कहते हैं तब कुएं को, तो जहाँ ज्ञान का कुआं हो तो कुआं शब्द, वापी शब्द कहाँ प्रयोग है? संस्कृत में है। ज्ञान शब्द का प्रयोग कहाँ है? संस्कृत में है। उर्दू से, अरबी से और फारसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से सर्वे आएगी। और मैं तो आग्रह करूँगा कि ये देश के राष्ट्रवादी मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को, पाके अल्लाह ताला के उपासक मुसलमानों को, निश्चित रूप से इसको भारतीय हिंदू जनमानस को सौंप देना चाहिए, स्वतः ही आगे आकर इसमें उनकी प्रतिष्ठा, उनका महिमा मंडन होगा। और ऐसा नहीं करते हैं तो जो वस्तु हमारी है वो हमें मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, मिलेगी। देवेशाचार्य जी आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उससे इसको जन जन जान रहे हैं और कोर्ट के माध्यम से भी ये साबित होगा, जैसे आपने देखा होगा कि राम मंदिर कोर्ट के द्वारा साबित हुआ और मिला हमको, ऐसे ज्ञानवापी भी हमें मिलेगा। और राम जी हमारे आ गए हैं, राम और शिव का बड़ा अच्छा संबंध है, और राम जी आ गए हैं जरूर शिव जी को ले आएंगे, क्योंकि शंकर जी का, राम जी का जो है स्वामी और सखा का संबंध है, तो स्वामी जी आ गए हैं तो सखा भी बहुत जल्दी ही आ जाएंगे। स्वामी जी आ गए हैं तो सखा भी बहुत जल्दी ठीक, बिल्कुल वापस लौटूंगे आपके पास। अतीक का भी जरा रुक कर लेते हैं, एक बार फिर से जनता से जरा राय जानने की कोशिश कीजिएगा इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि इंतजार सभी को है और आज जब रिपोर्ट आएगी तो जाहिर तौर पर क्योंकि अब एक समय जो है वो बाउंड बता दिया गया, लेकिन कब तक आ जाएगी, एक घंटे कहा जा रहा है, लेकिन आएगी आज नहीं आएगी इस पर जरूर संशय बना हुआ है, लेकिन लोगों को कितना इंतजार है? बिल्कुल, लोगों से बात करते हैं, लखनऊ की जनता है, आप बताइए क्या लगता है कि एएसआई का जो सर्वे रिपोर्ट है, हालांकि ये मामला काफी लंबे समय से चल रहा था कि ज्ञानवापी क्या है, परिसर में मस्जिद है या मंदिर है, हालांकि रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी तो कब काफी कुछ साफ हो जाएगा, इससे जनता को बड़ा इंतजार है रिपोर्ट का कि आज रिपोर्ट मिल जाएगी? जनता को नहीं इंतजार है, ये सरकार को इंतजार है कि एएसआई की रिपोर्ट आ जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ये धर्म का फैसला होगा, धर्म का फैसला आस्था का है, आस्था और धर्म, आस्था और तथ्य की बात अगर आ जाएगी तो आस्था भारी है तथ्य पर, और यही राम मंदिर में हुआ, आस्था भारी पड़ा तथ्य पर, और वही होने वाला है ज्ञानवापी में, और वही होगा आगे आने वाले मथुरा में, आस्था भारी है
आस्था के अनुसार फैसला होगा। एएसआई एक मात्र एक बहाना है। भाई साहब बड़ा आरोप है कि एएसआई एक बहाना है, हालांकि आस्था के विषय और सरकार जो चाहेगी, हालांकि बड़े आरोप लगा रहे हैं कि एएसआई ही जो चाहेगी वही आएगा वही होता है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है, अभी हमारे भाई ने कहा था ये गंभीर इश्यूज है। हम समझते हैं कि एक तरफ न्यायिक परंपरा का भी रक्षा होना चाहिए, दूसरे तरफ धार्मिक परंपरा का भी रक्षा होना चाहिए और तीसरे तरफ मानवीय भी पैरे का मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। अपने मत सब किसी के यहाँ पर है, लेकिन इंतजार है, इस चीज से डिनाय नहीं किया जा सकता।